अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है जी सैटरडे का दिन और टाइम देखें यहाँ पे तकरीबन 8:25 होने वाले हैं। तो बस अभी बच्चों को उठाते हैं और आज हम जा रहे हैं बच्चों के दादा अबू से मिलने। मौसम देखें कितना अच्छा है आज, माशाल्लाह धूप निकली हुई है। धूप आज, इसको भी पानी देंगे, मनी प्लांट को भी। तो चल के बच्चों को उठाएं, तैयार होएं और टाइम पे निकलें। और यहाँ पे जी मैंने अपने कपड़े निकाले हुए हैं जो आज मैंने पहनने हैं। ये भी मेरा कैंब्रिक का विंटर की कलेक्शन में था, मारिया बी का। और इस तरह का जो है सूट लीना का भी मैंने बनवाया है। और ये मेरे काफ़ी सूट जो हैं ये मेरे सेल हुए हैं और अब ये मेरे पास स्टॉक में नहीं है, क्योंकि मैंने बस लिमिटेड काम था मेरा विंटर का, तो जो मैं वहीं से पाकिस्तान से ख़त्म करके आई थी और अपने कपड़े साथ सिलवा के लाई थी। और ये देखें, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा है और ट्राउज़र के ऊपर भी इसी तरह की लेस लगी हुई है, ये देखें। तो ये बहुत ही कपड़ा बड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है। तो इसको करते हैं इस्त्री और फिर होते हैं रेडी। शलवार कमीज में ठंड ना लगे, फिर आपने कहना है, आपने कहा था। देख लो लाइबा ने तो जीन्स पहनी है, हमने भी। तो हम जी यहाँ पे रेडी हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है, बस अभी निकलेंगे। टाइम जो है, टाइम पता नहीं उनकी हो यहाँ पे 35, 10:35। हाँ 10:35 हो चुके हैं, तो बस अभी देखते हैं कितना और टाइम बच्चे लगाते हैं निकलने में। तो बस आज जो है तो बस डे ट्रिप करेंगे, क्योंकि रात नहीं हमने रुकना। वसीम को फिर नींद का मसला पड़ जाता तो घर में वो ठीक रहते हैं। पहले था कि हम नाइट स्टे करेंगे, पर अब हम डे ट्रिप ही करेंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ा बच्चे ज़रा कुछ खा पी लें, तो सारे रेडी शेडी होके बैठे हुए हैं। तो ये देखें, ये शॉल मुझे गिफ्ट आया था इंडिया से, और जिन्होंने भेजा है थैंक यू सो मच एंड लव यू। तो बड़ी अच्छी लगी है शॉल मुझे, माशाल्लाह। तो इस तरह से ये मेरे सूट के साथ भी अच्छी लग रही है, और ये मेरे बड़े कपड़ों के साथ चलेगी, ठीक है। नाम नहीं उनका ले सकती, क्योंकि उन्होंने कहा था नाम आप मत लें। हाँ, जब आपने ऊपर ली होगी शॉल तो तब आप वीडियो में दिखा सकती हैं। तो बस जी, चीज़ें कोई ना कोई चीज़ रह जाती है घर के अंदर, किसी का चार्जर रह गया, आए आए चाबियाँ डिग्गी। तो अब जी अनम की वेट कर रही हूँ, निकलो ना फातिमा। ये देखें वसीम यहाँ से निकाल रहे हैं चार्जर, तारे शारे, ये भी सामान साथ लेके जाना ज़रूरी होता है। कुछ रहता तो नहीं अंदर से, कुछ लेना तो नहीं है? नहीं, आप घर ले कर लीजिए। तो ये है जी मेरा फुल सूट, ये देखें। ये मारिया बी की कैंब्रिक कलेक्शन में से था, और जूते जो हैं ये स्टाइलो के हैं, पाकिस्तान से मैंने लिए थे। तो बस अब जाने लगे हैं, तो मिलते हैं आपको जाके न्यू पोर्ट में। हाँ, लाइटों के में पानी नहीं आ गया होगा किधर? नीचे ऊपर नहीं, ऊपर है। चले, ये मेरा हैंड बैग दे दें वसीम। तो इधर जी वसीम साहब लोडेड हैं विद हिज फैमिली। तो चलो जी, चलिए अल्लाह पाक खैर का सफर करें। गाड़ी चलानी तो मैंने थी आज मोटरवे पे, पर मैं सारी रात जागती रही, पता क्यों? अपने इस अंगूठे की वजह से। ये देखे नाड़ कैसी फूली पड़ी है और काली स्याह हुई पड़ी है यहाँ से, देखो। और इसने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। गाड़ी नहीं चला सकती क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई हुई, वरना मैंने ही चलानी थी आज। चलो कोई नहीं, वसीम साहब चलाएंगे खैर से इंशाल्लाह। आप अपनी फास्टी पेटी पहन लें। हैं, हाँ है। अपने घर उतार लिए थे ना परेशों के? हाँ, वो सारे उतार दिए अपने, पैक किया था। कार्ड बढ़ जाके कार्ड किधर? तो चलें जी, हमने ज्वाइन कर ली है मोटरवे साउथ वेल्स। तो ये ले जी, मौसम वेदर अच्छा आज। वेदर तो बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। मुझे यही था कि बारिश ना हो रही हो। शुक्र है बारिश नहीं है, शुक्र। याद नहीं जब मामा आप दोनों को लेके मैकडोनल्ड जाती होती थी? मुझे याद है, एक दफा आपने आपके तात के साथ आपने बोले आओ मैं आपको मैकडोनल्ड लेके दे देती, फिर मैंने ड्राइवर के अंदर चुम के याद है ना? हाँ, ऐसे कहते होते हैं क्योंकि आप लोग सुनते ही नहीं। रिवर उसके अंदर कितनी बहुत सी, वो देखो कितनी बहुत सी नजर नहीं आएंगी, पब्लिक बहुत सारी आ रही नजर आ रही है। ये पता नहीं कौन सा ये जैसे आप
बोट को हायर करके तो आप जा सकते हो। हाँ वैसा ही है कुछ। घास देखो कितना अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन, अभी ग्रीन है, पहले ग्रीन है, ग्रीन ही तो ग्रीन ही रहेगा, समर में हो जाता है विंटर में। तो बच्चे जी सारे आराम से सुकून से बैठे हुए हैं अपनी अपनी डिवाइस पे, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं हैं, कुछ सो रहे हैं तो कुछ जाग रहे हैं, बस यही कुछ कर रहे हैं। तो सफ़र बड़ा अच्छा होता है, ये जो न्यू पोर्ट का होता है ना, ये इतना लंबा नहीं है ट्रैवल, तो तकरीबन डेढ़ घंटा, पौने दो घंटे हाँ पौने दो घंटे जो है ना वो लग जाते हैं। मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं, कोई नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा बीच में आ जाते हैं ना, वो मैं माइंड नहीं करती, वो खुद भी माइंड नहीं करते अगर कहीं बीच में बच्चे आ जाए थोड़ा सा हल्का सा, वो माइंड नहीं करते। बाकी बिल्कुल जो है ना एकदम से कैमरे के सामने, उनकी मर्जी है, उन्होंने आना होगा, आ भी जान गए हैं ना, मुझे तो कोई नहीं है। हाँ वो अपना व्लॉग बना रही पीछे बैठ के, जैन व्लॉग बना रही है, देखे लगाती है कि नहीं, व्लॉगों की कमेटी पाई जैन इसके मोबाइल में, इतने व्लॉग हैं, इतने लोग हैं कि आप लोगों की सोच है, पर ये लगाती नहीं, वो बना बना के इन्हें रखे ने, ये लोगों ने बच्चे दे देने जाग लाई दही जमाई, आहो जाग लाई इन्हें दही जमांदी पई जी उन्होंने ये क्या था सर, ये क्या था गाइस, हम ठीक है, आप सब ठीक है, हैं ऐसे व्लॉग बनाओ आप लोग। वापसी का इधर का देखा, वापसी का बहुत ट्रैफिक होना है वसीम, वापसी तो बैच ला लाँगे, ट्रैफिक है ना स्लो चलेगी। ये क्या ऐसे नहीं बनाना, सो लवली नहीं, सो जेफ नाइस, सो इट पर ये बेसिकली बीच में ना, इट्स सो, वो क्या था लाइव के पर जाओ इंस्टाग्राम की लाइव पर, हाँ चली जाओ बाहर ही कर लेना फिर कैमरा, मेरे पापा की तरफ कर दो, अपने मुंह के ऊपर रख लो, अपने मुंह के ऊपर। ट्रैफिक है उधर से इधर का, रेडिंग वाली साइड का ना, वापसी का ये उधर को जा रहा है ना लंदन को, हाँ तो अच्छा खासा ट्रैफिक होना है। अब्दुल्ला सबसे एंड वाली सीट पे बैठा हुआ है, बहनें तीनों हमारे पीछे बैठी हुई हैं, अब्दुल्ला की आवाज़ ही नहीं आनी अच्छी कोई, वो बिजी है, इसको करके दिया था हॉटस्पॉट पे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला चल रहा है हॉटस्पॉट, अब्दुल्ला चल रहा है ना बेटे, कलमे कर लेना, कलमे बैठे हुए ठीक है ना, वो इसके ऊपर यूट्यूब नहीं खुलती, इंटरनेट नहीं चल रहा आपका, चलो बेटे हॉटस्पॉट पे ऑन किया उसको कर दो, हाँ इसको कर दो ताकि बैठ के ना ये कलमे कर ले, काफी लंबा सफर है, थोड़ा बीच में अपने कलमे कर ले, फिर जो इसने गेम खेलनी है फिर गेम खेल ले बाद में, पहले अब्दुल्ला कलमे कर लो बेटे, अभी सफ़र शुरू हुआ है ना, तो अच्छा चलो आप अल्लाह का नाम पढ़ लोगे। भाई मुझे बड़ा ही दुख होता है ये मोटर वे पर जिनकी गाड़ियाँ ख़राब हुई हो ना, मुझे वो टाइम याद आ जाता है, याद है जब हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, मुझे बड़ा ही फील होता है फिर। हाँ मैंने हाई हील पहनी, हाई हील पहनी हुई थी तब मैंने ट्रैवल में, हाँ मुझे क्या पता था कि ये खराब हो जानी है गाड़ी ऐसे। बेटा ट्रैवल जब भी करे ना एक आधा ब्लैंकेट गाड़ी में रखना चाहिए, आज रखे और नहीं जैकेट जरूर रखना चाहिए, यू नेवर नो गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाए, एक एक नाइट सूट भी रखना चाहिए, वो तो खैर अब हमारा डे ट्रिप था ना इसलिए नहीं रखे। तो मौसम आज बड़ा जबरदस्त था, धूप निकली, देखो भाई कितने प्यारे हैं, वेल्स की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे जो है ना आप मंजर देखते हैं, सीनरी बड़ी ज़बरदस्त है और बच्चे माशाल्लाह बड़ा एंजॉय करते हैं। और अनम और अब्दुल्ला जो हैं ये दोनों न्यू पोर्ट में बोर्न हुए हुए हैं, पहले हम न्यू पोर्ट में रहते थे जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, फिर हम इधर रेडिंग वाली साइड पर मूव हो गए। तो हम जब से मूव हुए हैं, हम जब भी न्यू पोर्ट जाएँ रास्ते में हमारी यही बात होती है कि हम ना वापस न्यू पोर्ट ही मूव हो जाएँ बच्चे बड़ा मिस करते हैं, बच्चों की बड़ी यादें हैं वहाँ से, बड़ा अच्छा टाइम हमारा माशाल्लाह से गुजरा हुआ है न्यू पोर्ट में, तो बड़ा मिस करते हैं सर। सफ़र अच्छा गुजर है, हाँ ट्रैफिक में नहीं स्टक हुए बीच में, है सन तीन चार लोग अन्ने वहाँ चलाने वाले, हाँ उसने आगे आगे जान के हमारे ब्रेकें लगाई हैं हमें डराने के लिए, गेम खेल रहे थे तीनों
क्रॉस करेंगे तो हम लोग ब्रिज के उस पार दूसरी कंट्री पहुंचने वाले हैं वेल्स में, और इंग्लैंड वाले रह जाएंगे जी पीछे। हाँ देखो इसको क्रॉस करने के लिए जब वेल्स जाना होता ना तो आपको टोल पे करना पड़ता था, लेकिन अब काफी साल हो गए टोल खत्म हो गया हुआ है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट था इनका पूरा हो गया हुआ है। अच्छा, तो वो ब्रिज का नाम भी चेंज कर दिया अब इन्होंने, ब्रिज ऑफ वेल्स ब्रिज आ गया। तो पहले टोल होता था काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया हुआ था, तो बड़ी अच्छी अब सहूलत हो गई है कि आपको पे नहीं करना पड़ता जी। ये हमारे शहजादे विलियम का ब्रिज है, विलियम का ये देखे जी कितना खूबसूरत। हाँ वो तो पहले तो उसका बाप था ना, अब तो किंग बन गया, तो विलियम हुआ ना, अब विलियम हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स। ये देखो अब्दुल्ला ब्रिज देखे, देखो बेटे ब्रिज को तो देखो सामने से, देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने, खूबसूरत माशाल्लाह। बिरयानी दम पे लग रही है, बस ये ब्रिज क्रॉस करने की देर होती थी। इधर से बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। वो सामने देखो अलग अलग लेयर्स है क्लाउड्स की, वो माउंटेन्स के हिल्स के पीछे देखो। हाँ वो अलग ही लेयर्स, न्यूपोर्ट, ये न्यूपोर्ट कह रही हूँ, वेल्स है तो बड़ा ब्यूटीफुल। हाँ। मेरा कहने का बड़ा दिल करता है वापस से आना न्यू इधर मूव। मेरा भी वैसे दिल करता है वैसे। हाँ वो देखे वो देखे अनम अब्दुल्ला न्यूपोर्ट में बोर्न हुए हैं, वेल्स की पैदाइश है इनकी, वेल्स की न्यूपोर्ट दी। ये देखो हाँ कितना अच्छा लगता है सी था। हाँ बड़ा नाइस माशाल्लाह। ये देखो ग्रीनरी चेक करें। ये देखे यहाँ का बड़ा मशहूर है ये होटल। हाँ न्यूपोर्ट का फेमस होटल एंड वेरी पॉश होटल। यहाँ पर हम कितने रहते थे, हमने नाइट स्टे करना था तो रहते। ये देखो भाई ये देखो होटल अब्दुल्ला आपके साइड पे आएगा, वो देखो ड्रैगन, ओए लाल ड्रैगन। हम जी न्यूपोर्ट में आ चुके हैं, ये देखें ये कितना ही प्यारी बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है ऑफिस। न्यूपोर्ट हमारा न्यूपोर्ट, पाकिस्तान से आए थे तो हम लोग न्यूपोर्ट में ही रहते थे। बड़ा प्यार है मुझे न्यूपोर्ट के साथ। मैं वसीम को कहती होती जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना हम इधर आके रहेंगे हम बुढ़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैनब कार्ड लिख रही है ना दादा अबू के लिए, चलो ले आओ। शीशा तोड़ देते गाड़ी का, चलो आ जाओ, चलो ले आओ ले आओ, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। ये देखिए ये अबू जी का प्रेजेंट अपने यहाँ ला के रखा है, बैठ जाओ बच्चों। हम सब की तरफ से अबू जी का गिफ्ट बच्चों की तरफ से भी, ये ले पकड़े। और ये कार्ड ले आओ मुझे, मैं तेरी राह दूंगा है ना। अब्दुल्ला की पसंद का था ये देखे कार्ड थे, ये बच्चों ने दिए दादा अबू को, ये अनम का था। चॉकलेट एंड हेल्दी है, बाकी वो भी अच्छी लिमिटेड अमाउंट अंदर अच्छी होती है,
खान पीन का ही ले आंदा कि वो बेस्ट है अच्छा रहता है बाकी हूं कोई और चीज लवो कपड़े लवो पूरे ना कोई और चीज लवो पसंद ना आए ये चलो खान पीन ये बेस्ट है शैंपू का टाइम चला गया शैंपू यहाँ पे देखें जी अब्बू जी ने आज बनाना था ये चिकन गार्लिक भी रखा हुआ है वेजिटेबल भी पर हमने कहा नहीं बर्थडे इनकी तो ना बाहर चलते हैं कहीं है ना चलो सही है फ्रीज कर लो हम बाहर जा रहे हैं हाँ दादा अबू का प्लान फ्रीज हो गया नहीं पर नाना दादा अबू की लाइबा बर्थडे है ना फिर तो ऐसे फिर अब दादा अबू ने भी मैरिनेट नहीं किया उसको बेटे ये देखो लाइबा ने जो दिल बना के दिया था लाइबा ये देखा है ये लगा हुआ यहाँ पे लगा हुआ है देखो ये दादा अबू ने कुछ बना के रखा हुआ है फ्रेश गार्लिक ऑर्गेनिक हनी अच्छा शहद दे विच यस वाह जी वाह ये देखें जी अब्बू जी के टोटके ऐ देखो ते क्या मैं कहंदी हां इत्थों खुशबूआं आ रही सन अचार दियां ते पता नहीं केड़े केड़े लसन दा अचार पाया अज लसन दे अचार भी आई सी ऐ ही हां बड़ा मजे का लग रहा है ये देखे आमले दा वाह जी वाह आमले ताड़े लेके आए हैं रेडिश वाह ये देखे ये मूली मूली वाह जी वाह ऐ सिरके में चे सारा जी दिस इज लेमन अच्छा ये देखें जी अब्बू जी के अचार शचार ऐ जरा है ना ऐ एक है ये लहसुन है ऐ मेरा ये फ्लू दाल वाह ये क्या है अब ऐ की कीता आज मूंग बीन स्प्राउट्स वाह खुद बनाए हुए हैं यस बस फिर तुहानू ते ऐसा जान दी जरूरत ही नहीं तुसी हर चीज तुसी घर च रखी है माशाल्लाह तो ये देखें जी अब्बू जी का छोटा सा किचन है बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है माशाल्लाह ऐ देखो वही मैं क्या खुशबुआं घर दे बाहर ही संसारियां ये देखें ये सारे मसाला जात इन्ने दे मैं लादा औरतां दे किचन विच नहीं होंदे जितने जितने अब्बू जी के किचन में रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से बस सही है तुसी अपने आप नूं चंगा बिजी कीता ये देखे यहाँ पे है वेजी कुकिंग चाट शीट ऐ देखो बच्चिया ने अपने खप रोला पाया पीछे अब्दुल्ला बंटे खेल रहे बंटे ये देखे ये इसके दादा अबू ने ना ये रखा होता है ये जब भी आता है तो ये इन्हीं के साथ लगा रहता है वो दादा अबू आई लव यू सो मच Love from Zedab. Hum Kabir. Baby. Hum Kabir. Baby. Hum ka baby. Hum ka baby. Yesterday. Dost ka. Dost ka naam. Oh, uska naam Anam Fatima. Miss. Wasim. Wasim. Miss you. Haan, ye Zedab jab banam hui hai na. When you were born. 2012. Ye tab diya hua. ये देखो अब पूरे जैनब का ये संभाल के रखा हुआ था अन्ना भी पिक्चर ले रही है अब हम जा रहे हैं सब बाहर लंच के लिए तो देखें फिर कहाँ जाते हैं तो चलते हैं फिर निकलते हैं तो यहाँ पे इस दरख्त की हालत देखें काफी ज्यादा पत्ते जो है उतर के तो गिर चुके हैं और ब्राउन हो गए ये बड़े प्यारे लगते हैं बढ़िया फिल्मों के वैसे इनके पत्ते नजर आते होंगे सन तो मैं सोचती होती थी कि ये पत्ते जो है ये कहाँ पे होते हैं इस तरह के जब यूके आए तो फिर पता चला कि अच्छा ये जब गिरते हैं तब ऐसे हो जाते हैं तो यहाँ पे जी पूरी गाड़ी जो है देखें माशाल्लाह से सवारियाँ बैठी हुई हैं अपनी अपनी सीट में और निकले हैं अब घर से लंच के लिए तो लंच करने हम लोग जा रहे हैं कार्डिफ तो देखें फिर कार्डिफ पे बच्चों ने गूगल में किया था शाम नाइट्स के नाम से रेस्टोरेंट है वो और मुझे यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी कुछ फॉलोअर्स ने कहा कि हिना जी यहाँ पे जाएं तो देखते हैं जाके अगर तो हमें मिल गई जगह वगैरह सारा कुछ पास पास तो वहीं पे जाएंगे अब्बू जी को माशाल्लाह काफ़ी पता है कार्डिफ का तो
वरना उनको कहेंगे कि वो चूज कर लें खुद ही किस रेस्टोरेंट में जाना। काया ये काया वो काया था दमास, दमास भी अच्छा लग रहा है ना। दमास और ये जो पीछे था ये पता नहीं कौन सा था वो भी अच्छा था। हाँ गाड़ी घुमा के उधर ना ले जाए दमास। हाँ मिर्ची बंद है पाशा कैस्पर्स कैस्पर भी है। हाँ ये देखो ये एक्चुअली नाइस भी लग रहा है जैसे ये लग रहा है जैसे ये एक्चुअली जैसे हम सिटी आ गए हैं जो जो रेस्टोरेंट के इधर उनको ये इधर आए हैं जी हम इधर। और पार्किंग के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी पर फिर शुक्र है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी पार्किंग मिल गई थी। ये देखें जी अबू जी की बर्थडे है आप सब की तरफ से अबू जी को हैप्पी बर्थडे मैंने एडवांस में कह दिया। ताड़े मैसेज लेट आएंगे जब लोग आएगा तब आएंगे आपके मैसेज। तो देखते हैं अब गाड़ी की पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है पर शुक्र है मिल गई है ना। और यहाँ से थोड़ी सी वॉक है रेस्टोरेंट तक जाके देखते हैं कितना कर रश है वहाँ पे और खाना कैसा लगता है हमें ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और देखो अंदर चारों कुल लगे हुए हैं ये जी कार्डी हमें जी पार्किंग बड़ी दूर मिल गई पार्किंग पास मिली नहीं पार्किंग पास मिलती तो मज़ा आ जाता बड़ी मज़े मज़े की शॉप्स हैं इधर कार्डिफ में। क्या पीछे व्यू चेक करें व्यू। तो ये है जी शाम नाइट्स और इसका इंटीरियर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था बच्चों को बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा कैप्चर करूँ। जो कार्डिफ वाले हैं जो न्यू पोर्ट वाले हैं उनको तो पता ही होगा इस रेस्टोरेंट का बल्कि ये जो रोड है इसी रोड पे सारे ही थे दमास भी था मिर्ची भी और एक और था पता नहीं उसका नाम है भूल गई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा थे तुर्किश वाले भी थे और डिज़र्ट शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस रोड पे जहाँ पे ये शाम नाश्ता था। तो देखते हैं जी खाना इनका कैसा होगा खाने का जो रिव्यू है वो तो मैं एंड पे आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं कैसे चलें थोड़ा जो है ना मैं आपके लिए रेस्टोरेंट की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ ताकि आप देख लें। कुछ लोग आए हुए थे अभी कुछ टेबल्स खाली थी क्योंकि ये ना लंच का टाइम था ना ही ये डिनर का टाइम था तो अभी जो है हो सकता है कि रश कम हो गया हो हमारे आने से पहले या हमारे जाने के बाद जो है वो इतने ज़रा रश शुरू होएगा। और यहाँ पर जी पहले बच्चों ने ये पता नहीं क्या इस डिश का क्या नाम है ज़ैनब ने ऑर्डर किया था साथ में नान थे तो ये था जी स्टार्टर और अब्दुल्ला को माशाल्लाह ये बहुत पसंद है बच्चे शौक से खाते हैं क्योंकि इनमें कोई मसाले नहीं होते कुछ नहीं होता तो वसीम भी कई दफ़ा जो है ना वो भी उनको अच्छा लगता है ये खाना। तो यार देखो इधर इन्हों के बकलावे वगैरह पे सन और यहाँ पे ये हम लोगों का फूड रेडी था तो उन्होंने कहा कि आके देख लें ऑर्डर चेक कर लें कि आपका यही था कि काउंटर पर एक दफ़ा वो डबल चेक करवाते हैं यहाँ शायद हमारा ऑर्डर ज़्यादा था इसलिए उन्होंने हमें बुलाया। तो अब्दुल्ला के ये फ़लाफल थे अब्दुल्ला चेक कर रहा सी कहता है इनके फ़लाफल जो है वो डिफरेंट है तो हर जगह पे डिफरेंट होते हैं। तो ये देखें ये जी माशाल्लाह से बड़े मज़े के थे और बच्चों ने खूब इंजॉय करके तो खाए और फूड इनका बड़ा ज़बरदस्त था इनका स्टेक भी बहुत मज़े का था लैम चॉप्स भी बहुत मज़े की थी इनकी मिक्स ग्रिल भी मज़े की थी। तो ये था जी हम लोगों का फूड और सबका अपना अपना था सब बच्चों ने अपना अलग से ऑर्डर किया था तो खाना इनका माशाल्लाह अच्छा था मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी जो नहीं गए वो यहाँ एक दफ़ा जाएं और जाके फूड ज़रूर टेस्ट करें। तो खाना खा के जी अब देखें हम कहाँ जाते हैं बड़ा मज़ा आया खाना मज़े का था सब ने खूब इंजॉय किया। मैंने लिया हुआ इस टाइम अब लाइबा का स्कार्फ मेरी शॉल जो है ना गाड़ी में है गाड़ी में। चलो चलो गाड़ी में बैठो सारे चलो चलो गाड़ी में बैठो सारे कार्डिफ से निकल रहे हैं और न्यू पोर्ट जा रहे हैं।
वो देखिए अबू जी बैठे हुए हैं, इधर वसीम बैठे हुए हैं, ता ही गड्डी चलती पई है कि वसीम इधर बैठे हैं। ਬਾਦ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪਤਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਲਾ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਾ ਯੂ نو ਹਾਊ ਟੂ ਡ੍ਰੀਮ ਆਈ ਬੁਲ ਅਨਦਰ ਫਿਸ਼ ਟੈਂਕ ਵਾਹ ਦਾਦਾ ਬੁਕ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਏ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਆਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਜਰ ओए का दिस इज जस्ट अबाउट 25% यू नो 25% या ये देखो उन्होंने हमने लिख के दिया हुआ है डियर दादा अब्बू है ये देखो दादा अब्बू ने क्या-क्या संभाल के रखा हुआ है ये देखो ये आप लोगों ने सबने लिख के दिए थे स्टैंप पे लगा-लगा के यू पुट दिस आउटसाइड आउटसाइड माय डोर हां दादा अब्बू के कमरे के बाहर याद है दादा अब्बू के रूम My writing still hasn't shown me again. ये आप सब ने लिखा था फादर्स डे था ना तब याद है दादा अबू के डोर के बाहर ये देखो ये क्या क्या लिखा हुआ है ग्रैंडफादर विद विद क्या लिखा हुआ है You're not my father but you're my grandfather which makes you grander than a father Happy Father's Day ये अनम का जी से खेल रहे हो दादा अबू In my opinion, if this was mine, this would be my favorite one. Look how silent it is. ये देखो दादा बुआ क्या निकालने लगे अंदर इसके. नहीं 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 बस ठीक. बस ऐसी. अल्लाह माफी. है कि तू तो मेरे साथ बाल बनाए हुए. हाँ मैं जी कर सकता हूँ तू सी कर नहीं सकते हैं जी लागू मार दिया था अच्छा तो है ये टूथब्रश के साथ किए होते हैं बाल तो टूथब्रश के साथ और क्या करें ब्रश तो के साथ तो बाल साफ करते हैं Especially toothbrush. Oh, you don't understand. I don't like your toothbrush. आप इसके ऊपर बैठ जाओ मेरी माँ मसाला बाजार आपने उसको खोलना इसको खोले ऐसे वो देखो दादा बुक चलो जी ये था दादा अबू का प्रेजेंट यहाँ पर सब लोगों की अपनी पड़ी है वो देखो अब्दुल्ला के साथ हाँ। तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है फ्रेश फ्रूट इन देयर यस फ्रेश जूस इन देयर ज़ैनब ने पसंद की थे सर ये ज़ैनब ने इसके अंदर लाइबा ने कुछ चीजें पसंद की हुई हैं लाइबा और ज़ैनब की मिक्स बास्केट वेरी गुड एंड ये देखे है जैसे विंटर का जबरदस्त सामान सेहत बनाए नट्स खाए सेहत बनाए है देखो खजूर खजूर बादाम खजूर बादाम खजूर
बच्चिया ने जो मिठा समान खरीदा दादा अबू के लिए ये स्पून रेस्ट मैंने पसंद किया था अब तो नीचे करो ये वाली है और ये है कि इन प्रेजेंट्स को कुछ चोट ना लगे इस गोल्डी लुक्स इस बॉल गाइस प्रेजेंट्स को चोट से बचाने के लिए और हम अपने फोन के ऊपर लगी हुई है हां जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू वेलकम 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 ब्यूटीफुल प्राइज चलो जी गुड हो गया वो देखो अनम क्या निकाल के खा रही हो अनमे खाती जाओ बस हैव अ सेफ जर्नी आप अपने पिलो के नीचे कुछ देखना कुछ हमने रखा तो अब जी हमारा जाने का टाइम है हम जा रहे हैं घर तो फिर आएंगे इंशाल्लाह अब जी से फिर मिलेंगे और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से और आप सबके मैसेजेस का शुक्रिया ठीक है ना दिसंबर दिया होनगे ना छुट्टियां फिर आना इंशाल्लाह उस तो पहला भी आना होया तो उस तो पहला भी आ जाना ओके बेटे बाकी सा चलो भाई दादा आपू को मिल लो ये इधर अबू जी का रूम और ये है इधर टीवी रूम तो ये है जी अब हमारा वापसी का टाइम तो हम जो है बस ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं तो ये था हमारा आज का दिन जो कि बड़ा अच्छा गुजरा फिर मिलूंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दुआओं में याद रखें जज़ाकअल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़